स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत से एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते ही नहीं हैं और स्किप कर देते हैं। ये एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना कितना ज़रूरी है। उसके बावजूद भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लगाता ही नहीं है, यानी स्किप कर देता है। और आपको ये भी बता दें कि उनकी शिकायतें जो हैं वो निकल कर आ रही हैं, और शिकायतों में ये कहा जा रहा है, आप भी जानते हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक बार तब लगती है जब आप स्कूल में एंटर करते हैं, यानी आप स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए पहुंच गए। जो टीचिंग स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनके भी बहुत से काम रहते हैं, और जब वो पहुंच जाते हैं उनकी भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगती है। लेकिन उसके बीच आते हैं कुछ ऐसे टीचर जो इवनिंग टाइम की यानी आफ्टरनून शिफ्ट की बायोमेट्रिक अटेंडेंस को स्किप कर देते हैं और स्कूल से भाग जाते हैं, यानी स्कूल से गायब हो जाते हैं, और उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि हमें जाते वक्त की भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी है। इसलिए मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि ये निकल कर आया है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं वो ढील ढाल वाला रवैया बरतते हैं, और वो ये ज़रूरी नहीं समझते कि उनकी कोई जिम्मेदारी है कि वो अपनी बायोमेट्रिक हाजिरी यानी अपनी अटेंडेंस जो है लगवा ले, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि सरकार का हम पर ध्यान ही नहीं है। लेकिन अब मैं बता दूँ कि जिन टीचर्स ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस स्किप की है, जिन नॉन टीचिंग स्टाफ ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस को स्किप किया है, 2 दिन के अंदर चीफ एजुकेशन ऑफिसर तमाम एरियाज से उनकी और उनके स्कूल्स की जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा, और रिपोर्ट में ये बताया जाएगा कि कौन सा टीचर कब आया था, कब गायब हो गया, और उसके बाद में एक इंक्वायरी जो है वो उनके ऊपर बिठाई जाएगी। अगर टीचर्स अभी छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि छुट्टियां एंजॉय करते करते उनके लिए एक बड़ा कहते हैं ना खतरनाक वाला अपडेट आ गया है कि वो अपने घर पर छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, और छुट्टियां एंजॉय करने के साथ साथ वो धूप भी सेक रहे होंगे, लेकिन अब जो ये खबर सुनेंगे ना तो उन्हें पता चलेगा कि कार्रवाई हम पर होगी। आपने पहले ही देखा कि 990 एम्प्लॉयज जो हैं उनसे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की बात करें, GAD की बात करें, वो कह रही है कि अपना वेरिफिकेशन दीजिए कि जनाब आप लगे कब थे। अब आप बताइए जनाब, आप सुबह की हाजिरी लगाकर शाम को गायब कहाँ थे? और कुछ तो ऐसे भी टीचर हैं जिन्होंने सैलरी पूरी ली है, ना उन्होंने सुबह की लगाई हाजिरी ना शाम की लगाई, तो बिना हाजिरी तनख्वाहें खाई हैं, तो तनख्वाह कटवाने के लिए और बंद करवाने के लिए आप लोग तैयार हो जाए। लेकिन जब मैं पूरा सर्कुलर आपके सामने पढ़ती हूँ तो आपको क्लियरेंस होगा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ऐसी बहुत सी शिकायतें मिली हैं कि टीचर्स, टीचिंग स्टाफ हो चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ, बोथ स्टाफ जो है वो यहाँ पर अपनी अटेंडेंस नहीं लगाता, और पर्सनल ऑफिसर जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर के, उन्होंने चीफ एजुकेशन ऑफिसर से कहा कि आप ज़रा देखिए कि ये ढील ढाल वाला रवैया कहाँ है, और कौन से ऐसे टीचर हैं जिन्हें अपना अंगूठा यानी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने में भी इतनी आलस आता है कि वो ये लगाना पसंद नहीं करते, ज़रा उनके नाम हमारे सामने लाइएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ऑफिसर्स को ये शिकायत मिली, उन्होंने कंप्लेंट रिसीव की और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को कहा कि ज़्यादा टीचर्स वो हैं जो सुबह अटेंडेंस लगाते हैं और शाम को गायब हो जाते हैं, यानी सुबह हाजिरी लगाई और शाम को रफू चक्कर हो गए, शाम को अपने घर के काम करते रह गए और स्कूल वाले बच्चे वहीं पर रह गए। अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कभी भी ऐसी शिकायत नहीं आई, इसका मतलब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी मिली भगत में शामिल था। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर भी गंभीर आरोप है। क्या आपके वो भाई या भतीजे लगते हैं जिनकी आप इस तरह की परेशानियां, जिनकी आप इस तरह से भागी दौड़ी छुपा रहे थे, जिनके आप जो है ये छुपा रहे थे कि वो स्कूल से गायब हो जाते हैं? अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 2 दिन के अंदर जो है हमें रिपोर्ट कौन सौंपेगा, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो है जितनी भी रिपोर्ट्स बनेंगी, और वही रिपोर्ट चाहिए जो सही हो। अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर भी कुछ रिपोर्ट में खराबी करता है या ढील ढाल वाला रवैया बरतता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, और 2 दिन में पॉजिटिवली ये रिपोर्ट जो है सबमिट करनी है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है डिपार्टमेंट ने कहा है कि जिस तरह से हमें शिकायतें मिली हम कार्रवाई करेंगे, बस नाम चाहिए 2 दिन में। आप 2 दिन की छुट्टियां एंजॉय करके जब स्कूल पहुंचेंगे ना, तो जिन्होंने आज तक स्कूल से भागा दौड़ी की है ना, उनके नाम भी उनके साथ साथ ही स्कूल पहुंच जाएंगे। बड़ी खबर जो है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है कि अब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की अटेंडेंस मार्क की जाएगी, और जिन्होंने ढील ढाल और किया है अपनी जो खिसक चुके हैं स्कूल से, उनके नाम भी बीच में आएंगे, तो बड़ी खबर है।